वन वेलकम टू माई चैनल शिक्षा स्टडी विद मी सो टूडे आई एम हेयर विद द सेकंड पार्ट ऑफ से नॉ एम एन एंड डॉनियम्स इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है सो डोंट फॉर गेट टू वॉच दैट टू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन शेयर द विडियोज और इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट राइट मी आर्ट पी एच ओ आर ई वन एट वन नाइन नाइन वन एट जी मेल डॉट कॉम और यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो सो हेयर द फर्स्ट वर्ड इज़ वीड आउट वीड आउट का मतलब होता है निकाल देना इन इंग्लिश द मीनिंग इज टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वॉन्टेड फ्रॉम अ ग्रुप मतलब जो चीज़ें या जो इंसान हमें नहीं चाहिए किसी ग्रुप में उसको वहाँ से रिमूव कर देना वीद आउट कहलाता है लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी देर आर सिमिलर काइंड ऑफ प्लाट्स बट इन बिटवीन देर इज अ डिफरेंट प्लान्ट तो ये आदमी उसको अलग कर रहा है सिमिलर प्लान्स है डिफरेंट प्लांट को अलग कर रहा है ठीक है सो द सिनॉनियम्स फॉर वीड आउट आर इराडिकेट एलिमिनेट रूट आउट रिमूव एक्सटर मिनेट डन एंड टोनियम्स आर सी सो प्लान यू कैन यूज इट इन अन्टेंस लाइक ही इज कीन टू वीड आउट

किसी भी चीज़ के लिए हेल्पफुल रहे कोई समझौते के लिए हेल्पफुल रहे लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देर इज़ अ बैंक इन बिटवीन ऑफ बॉरोवर एंड अ डिपॉजिटर इससे क्या होगा डिपॉजिटर को बोरवर के पास नहीं जाना पड़ेगा और पैसे किसी को देने के लिए इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक से और बोरोवर को किसी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए सो बैंक हेयर एक्ट एज अ मीडिएटर इंटरमीडियरी हेयर सो द सिनोनिम फॉर इंटरमीडियरी आर ब्रोकर मिडिएटर मिडलमैन एजेंट इंटरम एंड टॉनिम्स आर प्रोटैगोनिस्ट एक्सेसिव ऑफ सेंटर यू कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक ही सर्वड एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द वर्कर्स एंड द एग्जिव डन ऐसे इसको यूज किया जा सकता है सो नेक्स्ट वर्ड इज इन फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना और इंग्लिश में actively breaks the terms of a law agreement etc. so guys uh, मतलब उल्लंघन करना किसी भी rules के लिए rules को ना मानना चाहे वो rules कोई भी ho किसी भी agreement के ho किसी भी area के ho कैसे भी rules को laws को जो ना माने उसका उल्लंघन करें उसको infringe कहा जाता है लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी इस आदमी ने कुछ ट्रैफिक रूल ब्रेक किया है नहीं माना है उसका उल्लंघन किया है infringe किया है सो so, uh, इसने इस आदमी का ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए फाइन चार्ज किया है चलान काटा है ठीक है सो द सिनोनिम फॉर इनफ्रिंज आर वॉयलेट ब्रीच ब्रेक ट्रांसग्रेस एंड वॉयलेशन एंड द एंटोनिम्स आर ओबे कंप्लाई फॉलो ऑब्जर्व कैसे इसको यूज किया जा सकता है एग्जाम्पल सेंटेंस देती हूँ दे क्लेम दैट हिज यूज ऑफ द नेम इनफ्रिंजेज ऑन देयर कॉपी राइट डन उसने ये क्लेम किया कि मेरे नाम का इस्तेमाल करना uh, मेरे कॉपीराइट के अगेंस्ट है क्योंकि मैंने अपना नाम कॉपीराइट किया है तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता ये उल्लंघन किया गया नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेसिबल ट्रेसिबल का मतलब होता है जिसको भी आप पता लगा सकते हो कि वो चीज़ कहाँ पर है या इन बिटवीन है वट एवर इट इज़ और इंग्लिश में मीनिंग होता है एबल टू बी फाउंड और डिस्कवर्ड जिसका पता लगाया जा सके लाइक like गाइस एक uh, Uh, आप एग्जाम्पल लो कि इफ़ यू प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन किसी भी चीज़ के लिए आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो ऑनलाइन तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि वो पैकिंग के लिए गया है शिपिंग के लिए निकल गया है डिलीवरी के लिए निकल गया है ब्ला, ब्ला तो उसी को आप रिलेट कर सकते हो ट्रेसेबल से सो द सिनियंस फॉर ट्रेसेबल आर ट्रैकेबल रेफरेबल एट्रीब्यूटेबल आइडेंटिफिकेबल रिकॉगनीजबल ठीक है देंटोनियम्स आर अनट्रेसिबल फेंट इम्परसिपिटेबल इनविजिबल इसको आप यूज़ कैसे कर, कर सकते हो हाउ कैन यू यूज ट्रेसेबल इन सेंटेंस लाइक वी नीड वी विल नीड टू ट्रेस द इलेक्ट्रिकल वायर्स थ्रू द वॉल्स टैन सो द नेक्स्ट वर्ड इज एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट का मतलब होता है कूट रूप देना मतलब कोड कर देना किसी चीज़ को जो किसी और को समझ में ना आए ठीक है जो से प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक उसको कोड कर देना जो सिर्फ आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या ग्रुप या पर्सन को ही बताना चाहते हो वो कोई और ना जान सके इन इंग्लिश द मीनिंग इज कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन और डाटा इन टू अ कोड एस्पेशली टू प्रोवेंट अनऑथोराइज एक्सेस जिसको हक ना हो उस चीज़ को यूज़ करने का इन्फॉमेसन यूज़ करने का उस तक ना पहुँचे इसलिए उसको कोड कर देना या फिर बिल्कुल प्राइवेट रखना सो so, गाइज आपने एक्सपीरियंस किया होगा वेल यूजिंग व्हाट्सएप वैन यू कॉल एनी वन वेदर इट इज़ वॉइस कॉल और वीडियो कॉल थ्रू व्हाट्सएप ऊपर एक uh, लिखा आता है इनक्रिप्टिड कॉल सो इसका मतलब यही है जिससे आप बात कर रहे हैं या तो वो सुन सकता है या देख सकता है या फिर जो बोल रहा है सिर्फ वो सिर्फ वो दो लोग ही इन्वॉल्व uh, होते हैं और तीसरा कोई पर्सन उसको नहीं सुन सकता डांड सो दिस इज नॉनियम फॉर इनक्रिप्ट आर एन कोड एनसिफर कोड इंस्क्राइब एंड टॉनियम आर इंटरप्रेट डी कोड डिफर डिक्राइब एट्सेट्रा एंड द यू कैन यूज इन सेंटेंस लाइक द सॉफ्टवेयर विल इनक्रिप्ट द मैसेज बिफोर इट इज सेंड डन गाइज सो लेट्स मूव नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडिटी वैलिडिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में मान्यता तारीख एंड पुष्टता एक मान्यता तारीख मतलब कब से कब तक कोई चीज़ वैलिड है उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी ठीक है गाइज वैसे ही लाइक like दवाई लेते हैं आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब पे वैलिडिटी लिखी होती है कि कब से कब तक वो वैलिड है डैन इन इंग्लिश द मीनिंग इज द क्वालिटी ऑफ बींग लॉजिकली और फैक्चुअली साउंड और साउंडनेस और कोजेंसी डैन गाइज सो सिनोनिम्स आर इफेक्टिवनेस एफिकेसी ऑथेंटिसिटी इफेक्टिविटी एट्सेट्रा एंड दैन डोनियम्स आर फॉल्सिटी इन वैलिडिटी फॉल्सोर or the usage in a sentence for example some researchers have questioned the validity of the test results done next word is feasible feasible ka matlab hota hai vyavharya or in english the meaning is possible to do easily or conveniently kisi bhi cheez ko easily karna karna possible ho उसको feasible कहा जाता है लाइक फिजिबल इज़ अ सेकेंड फिजिबल को आप पॉसिबल से सब्सिट्यूट कर सकते हो इन दिस पिक्चर यू कैन सी आप इस पजल को इजीली ज्वाइन कर सकते हो लाइक टू कंप्लीट दिस पजल इज फिजिबल डन गाइज सिमिलरली द दिनोनियम्स फॉर फिजिबल आर पॉसिबल प्रैक्टिकेबल वर्केबल एट्सेट्रा एंड द आर इम्पॉसिबल अनसस्टेनेबल इम्प्रैक्टिकल एट्सेट्रा हाउ वी कैन यूज फिजिबल इन अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल द गवमेंट हैज़ नाउ मेरिट फीजबिल फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड एज लॉन्ग एज अंथ इन द कंट्री डैन सो नेक्स्ट वर्ड इज मोंगर मोंगर का मतलब होता है सौदागर इन इंग्लिश डोनेटिंग अ डीलर और अ ट्रेडर इन अ स्पेसिफाइड कमोडिटी डैन मतलब कोई डीलर जो किसी स्पेसिफिक कमोडिटी में डील करता है उसको मोंगर कहा जाता है Like in this picture, you can see uh, this man deals only in fishes. Then, those monger kaha jayega So, the synonym for mongers are trader, dealer, merchant, trafficker, vendor, and the antonyms are customer and pair. Usage in a sentence for example, the Iranian president, the US, to abandon war, mong uh, war mongers and war mongering policies. In an apparent reference to Bolton, who posed for more aggressive action against Iran. Done. So, the next word is threshold. Jiska matlab hota hai seema. In English, the meaning is a stripe of wood or stone forming the bottom of a doorway and crossed in entering a house or room. गई थ्रेश होल्ड जो आपकी दहलीज होती है उसको कहा जाता है आपके दरवाजे पर जो दहलीज होती है जो वुडन या स्टोन किसी भी मटेरियल की हो सकती है उसको कहा जाता है एंड द सोनिम्स फॉर थ्रेश होल्ड आर लिमिट बाउंड्री डोर ब्रिंक एटचरा एंड दिम आर एंड क्लोजर फिनिश सो यू कैन यूज इट इन सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू इनकम राइज अ सर्टिन थ्रिश होल्ड योर टैक्स रेट ऑल्सो राइजेज दैन नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टिंजेंसी कॉन्टेंजेंसी इज अमरजेंसी गाइज इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना जो आप प्लान नहीं कर सकते प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अचानक से कुछ भी गलत होने वाला उसको एमरजेंसी कहा जाता है इन इंग्लिश अ फ्यूचर इवेंट और सकम स्टांस विच इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी डन सो दस इनिम फॉर कंटिजेंसी आर एमरजेंसी इंसिडेंट चांस एंडिटी रियलिटी ट्रूथ यू कैन यूज इट इन सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल माइक अबाउट कंटिजुएंसी प्लान फॉर द कैट डन नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉर्बिटेंट एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक ज्यादा बहुत ज्यादा इन इंग्लिश ऑफ प्राइज इन डिमांड्स मच टू लार्ज प्राइजिज या डिमांड्स में बहुत ज़्यादा होने को एग्जॉबिटेंट का यूज़ किया जाता है लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट इन सिनेमा हॉल्स द प्राइज ऑफ पॉपकर्नज एंड कोल्ड ड्रिंक्स इज आर वेरी हाई ठीक है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को लाइक फॉर दिन दिनोनियम फॉर एक्जॉबिटेंट आर एनामरस एंड एंटोनियम्स आर चीप गुड एट्सेट्रा एग्जाम्पल फॉर दिस द इंटरेस्ट चार्ज ऑन मॉस्ट क्रेडिट कार्ड इज एग्जॉबिटेंट बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं डन सो नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रूटल ब्रूटल का मतलब होता तो है क्रूर जो ज़्यादा बुरा व्यवहार करे उसको कहा जाता है इन इंग्लिश सेविजली वायलेंट लाइक इस पिक्चर में आप कन रिलेट कर सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में या मतलब स्ट्रिक्ट लग रहा है इंसान क्रूर लग रहा है तो इसी के लिए द सोनिम फॉर ब्रूटल आर सेवेज क्रूअल एंटोनिम्स आर जेंटल एंड ह्यूमेन एग्जाम्पल सेंटेंस इसके लिए होगा द राइटर डिस्क्राइब द डेंजरस डेंजर्स ऑफ ड्रग्स विद ब्रूटल ऑनेस्टी ठीक है गाइज आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से भी सो द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बलिजन एम्बलजन का मतलब होता है प्रशंसा करना लाइक like, किसी भी चीज़ को इफेक्टिव um, एनहेंस करना उसकी क्वालिटीज़ को उसको और सुंदर दिखाने के लिए उसको सजाना ठीक है इन इंग्लिश इंस्क्राइब और डिस्प्ले आ डिज़ाइन ऑन कॉन्सिपिशियसली इंस्क्राइब और डिस्प्ले आ डिज़ाइन ऑन लाइक इन दिस पिक्चर ये हाथी एलिफेंट है जिसको बहुत ही सुंदर पेंटिंग करके उसको डिज़ाइन किया गया है एनहेंस किया गया है उसकी ब्यूटी को ठीक है सो द इनिव फॉर एम्ब इन आर डेकोरेट एम्बलिश एंड दें टॉनिवज आर डिसफिगर्स एंड डिफॉर्म

नीचे तबके के लोग हैं उनको निकाल देना बाहर निकाल देना जो आपको आप, आप समझो जो हमसे नीचे है ठीक है सो द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड आर डाउनग्रेड बैनिश एक्साइल डिग्रेड एंड देन टॉनियम्स आर अपग्रेड एंड प्रमोट एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर दिस वर्ड इज इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर बॉस टू डेलीगेट यू टू द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयड यू आर बेटर वॉच वॉट यू से ऑन सोशल मीडिया देन गाइज सो द नेक्स्ट वर्ड इज वायबल वायबल का मतलब होता है व्यवहार व्यवहार्य एंड द मीनिंग इन इंग्लिश इज़ कैपेबल ऑफ वॉकिंग सक्सेसफुली और फिजिबल जिस चीज़ को भी आसानी से कर दिया जाए जो करने योग्य हो आसानी से हो जाए उसको बोलते हैं पॉसिबल और वायबल फिज़िबल सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज एप्लीकेबल फिजिबल पॉसिबल यूजबल एंड टॉनियम्स आर इम्पॉसिबल अनफीजिबल अनलाइकली एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज दे आर कंसिडर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर वायबल कंज्यूमर्स देन गाइज नेक्स्ट वर्ड इज पोरीटेनिकल पोरीटेनिकल का मतलब होता है सख्त स्ट्रिक्ट इन इंग्लिश हैविंग और डिस्प्लेइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसेरियस मॉरल एटीट्यूड टूअर्ड हर टूवर्ड सेल्फ इंटेलिजेंस दैन गाइज आप लाइक इस पिक्चर में रिलेट कर सकते हो द लेडी पॉइंट आउट दैट नो एल्कोहल फॉर मी शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर्से दैट नो एल्कोहल फॉर हर ठीक है ऐसे स्ट्रिक्ट जो किसी भी चीज के लिए अपने लिए हो उसको पुरिटेनिकल कहा जाता है सिनोनियम फॉर दिस वर्ड आर प्रूडिश पुरिटेन प्रिम प्रिगिश एंटोनिम्स आर इंडर्जेंट इंडिसेंट एट्सट्रा एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर दिस वर्ड इज इट जस्ट शोज दैट दोज एंडलेस पुरिटेनिकल ब्रोमाइज अबाउट द पेरल्स ऑफ

मीनिंग इन इंग्लिश टू ट्रीट योर सेल्फ योर विशेज और योर बिलीफ एज बींग लेस इम्पॉर्टेंट दैन अदर पीपल और अदर विशेज और बिलीफ सब्जीगेट का मतलब ये होता है कि अपनी फीलिंग्स अपनी विशेज अपने आप को किसी और से कम इम्पोर्टेंट समझना किसी और के विशेज और बिलीफ से कम इम्पोर्टेंट समझना ठीक है सोना फॉर दिस वर्ड आर कॉन्क्योअर एंड स्लेव एंड टॉनिम्स आर लूज एंड रिलीज फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर दिस इज रिपोर्टर्स मस्ट सब्जुगेट पर्सनल पॉलिटिकल कन्विक्शन टू द प्रोफेशनल कमिटमेंट टू बैलेंस डेन गाइज नेक्स्ट वर्ड इज्रॉयट एड्रॉयड का मतलब होता है निपुण वेरी स्किलफुल एंड क्विक इन द वे यू थिंक और मूव अपने काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना स्किलफुल होना जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं लेकिन दिस पिक्चर द मैन इज डूइंग वेरी गुड पॉटरी बहुत निपुण है ये अपने काम में स्किलफुल है परफेक्ट करेगा सो सी नोने फॉर अड्रॉड आर एडेप्ट आर्टफुल एंड एंड एन आकवर्ड एग्जाम्पल फॉर दिस शी वॉज अ ड्रॉय एट रिमूविंग माई आर्मर विच शीड डि वेल एंड ब्यूटिफुली एन गाइज नेक्स्ट वर्ड इज वेलियंट वैलियट का मतलब होता है बहादुर पोजेसिंग और शोइंग करेज और डिटामिनेशन ट आर सोल्जर्स आर वेरी करेजियस वेरी वैलियंट बहुत बहादुर हैं ठीक है तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा ये सोनोनियम फॉर वेलियंट आर ब्रेव फियरलेस करेजियस एंड लॉरियस एंड एंटोनियम्स आर काउडली आर एयर सोल्यूट एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज फायर मैन आर वेलियंट इंडिविजुअल हु पुट देयर लाइव ऑन द लाइन टू सेव अदर्स डैन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटैगोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लीड करेक्टर और वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर इन अ प्ले फिल्म नॉवल एट्सट्रा लाइक इन दिस पिक्चर आई पुट पिक्चर ऑफ शिन चैन हेयर आपको पता है शिनचैन जो कार्टून है उसमें मुख्य पात्र है तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हो तो सिनोनीम फॉर दिस वर्ड आर सपोर्टर अप होल्डर एंड देन टोनियम आर ऑपोनेंट एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज फॉर द नेक्स्ट नाइन ईयर्स ही वॉज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ री फॉर्म दैन गाइज सो गाइज द वीडियो एंडेड है टुडे यू हैव लर्न अबाउट वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स एंटोनियम सिनोनिम्स के आपने अराउंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स आज लर्न किए इसको आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ सुने पढ़ें वोकेबलरीरी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी डोंट फॉरगेट टू वॉच द पार्ट वन आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसका लिंक मैं सजेशन में, में शेयर किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच